हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होगे। फ्रेंड, ये रेडमी का 10A है जिसमें FRP लॉक लग गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। तो अगर आपके भी फ़ोन में इस तरह से FRP लॉक लग जाता है और यहाँ से आगे बढ़ने पर जीमेल आईडी सेंड करने बोलता है जो आपको नहीं मालूम है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें मियो का 12.5 वर्जन अपडेट है। तो आज मैं आपको बताऊँगा इसका गूगल अकाउंट बाईपास कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट पर टैप करेंगे। अब यहाँ पर इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ इंडिया पर टिक किया हुआ है, यहाँ से भी आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ नीचे में टिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से भी आगे बढ़ जाएंगे। अब इस फ़ोन में सिम कार्ड नहीं लगा हुआ है, 2 सेकंड रुकेंगे, उसके बाद यहाँ से भी आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड, अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन है तो इसमें हॉटस्पॉट स्टार्ट करें और इस फ़ोन से एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लें ताकि इस फ़ोन पर इंटरनेट चालू रहे। तो हम लोग यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये वाईफाई नेटवर्क का जो पासवर्ड है हम लोग डाल दे रहे हैं। आप जो वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कीजिएगा, आप उसका पासवर्ड डाल के वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लीजिएगा। डाल दिए पासवर्ड, अब कनेक्ट पे टैप कर दिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आने में 1-2 मिनट लगेगा, तब तक हम लोग को वेट करना है। दोस्तों, आपको मैं वीडियो देखने में कैसा लग रहा है कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मैं वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसे नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंड, इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको मोबाइल से जुड़े बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल पेज पे जाना होगा, वहाँ पर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाए आपको बहुत सारे मॉडल के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो को देखें और अपने फ़ोन का प्रॉब्लम सॉल्व करें। अब यहाँ नीचे अलाउ करने बोल रहा है तो अलाउ पर टैप कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आने वाला है। अब यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। देखिए, यहाँ नीचे में लिखा है डाउन कॉपी, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर पासवर्ड लॉक डालने बोल रहा है। फ्रेंड, यहाँ पर वही पासवर्ड लॉक डालने बोल रहा है जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। अगर आपको पता है तो यहाँ पे डालें, आपका फोन यहीं से आगे खुल जाएगा। और वो पासवर्ड लॉक मुझे पता नहीं है तो क्या करेंगे? देखिए, यहाँ नीचे में लिखा हुआ है यूज गूगल अकाउंट इंस्टा, इस फोन में टाइप कर देंगे। अब थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे जीमेल आईडी सेंड करने बोल रहा है। फ्रेंड, यहाँ पे वही जीमेल आईडी सेंड करने बोल रहा है जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है वेरीफाई योर अकाउंट। अगर आपको जीमेल आईडी पासवर्ड पता है दोस्तों जो इस फोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था, तो यहाँ पर डाले, लॉगिन करें, आपका फोन यहीं से आगे खुल जाएगा। पर जीमेल आईडी पासवर्ड मुझे पता नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक का सिंबल बना हुआ है और नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलिए, आज मैं इसका गूगल अकाउंट बाईपास करके आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हम लोग को बैक आना है और एक बार बैक आएंगे वाईफाई नेटवर्क तक। आगे वाईफाई नेटवर्क में आप क्या करेंगे, यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ नीचे में आपको दिखेगा ऐड नेटवर्क, इस पर हम लोग टैप करेंगे। अब यहाँ देखिए ऊपर में लिखा हुआ SSID, इस पर हम लोग टैप करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे www.youtube.com। चलिए फटाफट लिख लेते हैं www.youtube.com। लिख लिए, यहाँ बीच में स्पेस आ गया, हटा दिए। ठीक है, अब जो लिखे हुए हैं उसे हम लोग सिलेक्ट करके रख लेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिंक वाला ऑप्शंस दिख रहा है, इस पर हम लोग टैप कर देंगे तो हमारे फ़ोन पर यूट्यूब खुल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर क्रोम ब्राउजर भी खुल जाएगा। तो यहाँ देखिए नीचे में लिखा है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, इस पर हम लोग टैप करेंगे। उसके बाद नो थैंक्स पर टैप करेंगे। ठीक है, ब्राउजर खुल गया है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ ऊपर में टैप करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे VN ROM लिख दिए। अब सर्च कर देंगे। अब यहाँ पर VN ROM का वेबसाइट दिखा रहा है ऊपर में, इस पर टैप कर देंगे। जैसे टैप करेंगे हमारे फ़ोन पे VN ROM का वेबसाइट खुल जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे तो देख सकते हैं VN ROM का वेबसाइट खुल चुका है। अब यहाँ देखिए नीचे में लिखा हुआ है सेटिंग, उसके सामने लिखा है ओपन। सेटिंग के सामने जो ओपन लिखा हुआ उस पर हम टैप कर देंगे। टैप करते साथ सेटिंग खुल जाएगा। अब यहाँ ऊपर में लिखा है अबाउट फोन, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। अब यहाँ देखिए इस फ़ोन में मियो का 12.5 वर्जन अपडेट है और इस फ़ोन का डिवाइस मॉडल है Redmi 10A और इस फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन अपडेट है 11। और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक बार बैक आ जाएंगे। अब हम लोग यहाँ नीचे आएंगे और खोजेंगे ऐप्स। यहाँ नीचे आएंगे, देखिए ऐप्स मिल गया, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। अब यहाँ देखिए चौथा नंबर में लिखा हुआ है अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप, इस पर हम लोग टैप करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर खोजना है शेयर मी ऐप, तो यहाँ सेकंड नंबर में शेयर मी ऐप दिखा रहा है, इस ऐप को हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो इंस्टॉल पे टैप कर दिए तो ये ऐप इंस्टॉल होने लगेगा।
थोड़ा सा वेट करेंगे। दोस्तों आपको मेरा वीडियो देखने में कैसा लग रहा है कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। तो देख सकते हैं इंस्टॉल हो गया, अब यहाँ ओपन लिखा हो इस पर हम टैप करेंगे, पर यहाँ पर ये ऐप ओपन नहीं हो रहा है दोस्तों, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ओपन नहीं हो रहा है, फिर से ओपन करने की कोशिश करेंगे पर यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से बैक आ जाते हैं और बैक आएंगे वाईफाई नेटवर्क तक हम लोग को बैक आना है दोस्तों। तो धीरे धीरे करके हम लोग बैक आएंगे वाईफाई नेटवर्क तक। आ गए वाईफाई नेटवर्क में, अब हम लोग यहाँ पर जो लिखे हुए थे उसे फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर ऊपर में आपको शेयर वाला आइकन दिखेगा, इस पर हम टैप कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको शेयर मी ऐप दिख रहा है, अब इस पर हम लोग टैप कर देंगे। टैप करते साथ यहाँ पर शेयर मी ऐप खुल जाएगा। अब यहाँ नीचे एग्री पे टैप करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ अलाओ करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, फिर से अलाओ पे टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ अलाओ करेंगे, बैक आएंगे, फिर से अलाओ करेंगे। तो यहाँ पर क्यू आर स्कैनर खुल गया है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इस फ़ोन को सेट कर देंगे। अब हम लोग एक दूसरा फ़ोन लेंगे, कोई भी एक दूसरा फ़ोन ले ले। तो मेरे पास ये रेडमी का फ़ोन है तो मैं इसे ले लिया हूँ। अब इसमें क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ नीचे सर्च बार में टैप करना है। अब हम लोग यहाँ पर दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन है एक्टिविटी लॉन्चर, तो यहाँ पर टैप करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्टिविटी लॉन्चर, एक्टिविटी लॉन्चर लिख के सर्च करेंगे और इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे इस फ़ोन में। तो देख सकते हैं यहाँ पर ग्रे कलर का एक्टिविटी लॉन्चर ऐप दिख रहा है, यहाँ इंस्टॉल लिखा है, इस पर हम लोग टैप करके इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये ऐप डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा, तो जब तक डाउनलोड होकर इंस्टॉल होता है तब तक हम लोग को वेट करना है। अब यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, पर हम लोग को ओपन नहीं करना है, ध्यान देंगे। आ गया ओपन का ऑप्शन, पर हम लोग को ओपन नहीं करना है, हम लोग को एक बार बैक आना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखा रहा है उसे हम लोग हटा देंगे। अब सर्च बार में टैप करेंगे, पहले से जो लिखा हुआ उसे हम लोग कट करके हटा देंगे। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, शेयर मी। चलिए फटाफट लिख लेते हैं शेयर मी, अब सर्च कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर शेयर मी एप्लीकेशन पहले से इस फ़ोन में इंस्टॉल है, अगर नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर ले उसके बाद ओपन करें। तो यहाँ पर इंस्टॉल है तो हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ एग्री करेंगे, यहाँ अलाउ करेंगे, फिर से अलाउ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ रिसीव पे टैप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये टर्न ऑन कर देंगे, वाईफाई ऑन कर देंगे, डन कर देंगे। उसके बाद ब्लूटूथ को भी टर्न ऑन पे टैप करके अलाउ कर देंगे, अब नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे अलाउ पे टैप करेंगे तो देख सकते हैं क्यूआर कोड आ गया है। अब हम लोग लॉक वाले डिवाइस से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों फ़ोन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। दोस्तों आपको मेरा वीडियो देखने में कैसा लग रहा है कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है दोस्तों, वेट करेंगे। अब यहाँ कनेक्ट क्लिक किया है, इस पर टैप कर देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो देख सकते हैं दोनों फ़ोन एक दूसरे से कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ नीचे में शेयर फाइल लिखा है, इस पर हम टैप करेंगे। अब यहाँ ऊपर में ऐप्स लिखा है, इस पर टैप करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक्टिविटी लॉन्चर ऐप दिख रहा है, इस पर हम टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे सेंड पे टैप करेंगे, सेंड पे टैप करते साथ ये ऐप इस फ़ोन में आ जाएगा। अब यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ है, इस पर टैप कर देंगे। अब हमारे दूसरे फ़ोन का काम हो चुका है, इसे हम लोग हटा देते हैं। अब यहाँ देखिए ये ऐप इस फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ रन लिखा हुआ है, रन पे टैप करके इसे ओपन कर लेंगे। अब यहाँ ओके पे टैप करेंगे तो यहाँ पे लोडिंग होने लगेगा, तो जब तक लोडिंग होता है तब तक हम लोग को वेट करना है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो देखने में कैसा लग रहा है कमेंट्स में टैप करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। अब यहाँ पर ऐप खुल चुका है दोस्तों। अब यहाँ ऊपर सर्च बार दिख रहा है, इसमें हम टैप करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे स्पेस, एस पी ए सी ई लिख दिए। अब यहाँ देखिए नीचे में आपको स्पेस बटन दिख रहा है, इसमें हम टैप करेंगे। अब यहाँ आपको दिखेगा सेकेंड स्पेस फिंगरप्रिंट, इस पर हम टैप करेंगे। जैसे टैप करेंगे यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। देखिए यहाँ नीचे में लिखा हुआ है सेट नाउ और स्किप, तो हम लोग को स्किप पे टैप कर देना है। जैसे टैप करेंगे यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है और इस फ़ोन को रिबूट कर लेना है। तो चलिए पावर बटन को हम लोग दबा देते हैं, तो यहाँ पर रिबूट दिख रहा है, रिबूट पर टैप करके इस फ़ोन को रिबूट कर लेंगे।
अब हमारा फ़ोन रिबूट हो रहा है दोस्तों, तो जब तक हमारा फ़ोन रिबूट होता है तब तक हम लोग को वेट करना है दोस्तों। इतना करने के बाद हमारे फ़ोन का FRP लॉक 100% अनलॉक हो जाएगा। तो आपको मैं वीडियो देखने में कैसा लगा कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मैं वीडियो अच्छा लगा तो मैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसे नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों हमारा फ़ोन रिबूट हो रहा है, थोड़ी देर में हमारा मोबाइल खुल जाएगा और इसमें से FRP लॉक भी हट जाएगा। थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको मोबाइल से जुड़े बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल पेज पे जाना होगा, वहाँ पर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाए आपको बहुत सारे मॉडल के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों अब हमारा मोबाइल खुल चुका है और इसमें से FRP लॉक भी हट चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग इस फ़ोन का FRP लॉक को अनलॉक करते हैं। तो आपको मैं वीडियो देखने में कैसा लगा कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताएं और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।